coordinating linkers. In coordinating linkers, we have telling about the three and or by this thing and but or. इससे पहले हमने three पढ़े थे जिसमें coordinating में three parts divided किया गया था. But उसके हम first part में वो long हो जाएगा करके examples नहीं दिए थे. So first of all, we will see how you will be used coordinating parts in the linkers form. अब सबसे पहले आपको ये जानना है कि linker forms में अगर आप ये fill in the blanks में आते हैं तो आपको यूज कैसे करना है. तो सबसे फर्स्ट इस एग्जांपल ऑफ दिस हम एग्जांपल्स के थ्रू जानते हैं कि फाइनली लिंकर्स का यूज करते कैसे हैं. तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल इज लर्न द आंसर्स. हमको क्या सीखना है आंसर्स. फिल इन द ब्लैंक्स राइट देम इन योर नोटबुक्स. अब आपको क्या करना है आपको आंसर सीखने हैं और उसको आपके नोटबुक में फिल करनी है. सो दिस इज योर क्वेश्चन and how you will be right learn the answers and ab answers sikhna or hum usko hindi mein jab bolte hain to and means or write in your notebook and after that what you will be do you will be write in your notebook. So what is our linkers and because this is the adder of two different sentences. दो सेंटेंस को जोड़ने का जो वर्क होता है जैसे हमने पहले इससे पहले हमारे जो फर्स्ट वीडियो में उसको देख चुके हैं कि टू एडर्स एंड का यूज हमने बताया था कि एंड हमेशा टू वर्ड्स को जो टू सेंटेंसेस होते हैं उसको ऐड करने के लिए यूज किया जाता है. तो यहाँ पे हमने यही देखा कि लर्न द आंसर्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक. अब हम देखते हैं सेकेंड आई वॉज अब्सेंट. मैं क्या था आई वॉज एबसेंट. फिल इन द ब्लैंक्स आई वॉज इल. मैं एबसेंट था मैं बीमार था. अब हमारे लिए टू डिफरेंट सेंटेंस हो गए लेकिन हमको उसको क्या करना है वी विल बी मेक अ वन सेंटेंस. हमको उसको एक सेंटेंस में बनाने हैं. सो व्हाट वी विल बी डू वी विल बी यूज लिंकर. हमको लिंकर यूज करनी है. तो लिंकर यूज करने के लिए सबसे फर्स्ट हमको ये देखना है बिकॉज ऑफ वी आर यूजिंग एज coordinating linkers. अब coordinating linkers के थ्रू हम देख रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा as the idea. जब हम but इन सब चीजों में आते हैं तो ideas के थ्रू यूज होता है. तो हम क्या लिखेंगे I was absent. मैं क्या था absent था क्योंकि मैं बीमार था. तो यार हम यही पे आएंगे ना मैं तभी तो absent रहूंगा ना जब मुझे कोई scientific reason हो. तो हाँ मैं absent था क्योंकि मैं बीमार था. तो because as the using as a linker and they have a as the make a one sentence as a different of two sentences. जो two different sentences थे उसको एक करने का जो work होता है that is the called to linkers. And linkers यहाँ पे क्या use हुआ because मैं absent था क्योंकि मैं बीमार था. तो यहाँ पे हमारे लिए जो scientific as the perfect words होता है वो हमारा because हुआ. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू विल गेट अ ट्रॉफी. आपको ट्रॉफी मिलेगी इफ यू विन. अगर आप जीतते हो यार आप जीतोगे तभी तो आपको ट्रॉफी मिलेगी ना. तो यही इफ हमने लगा दिया अगर यदि जो हम बोलते हैं दोनों के लिए कि यदि आप जीतोगे तो यही चीजें हमको क्या होता है दे विल बी यूज्ड एज लिंकर. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डोंट कम आउट. मे बी आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमारे सबसे पहले हमको जो लिंकर्स को जानने के लिए फोकस करना है दैट इज द वर्ड्स. यार आपको वर्ड्स तो याद करने ही पड़ेंगे. उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस वर्ड्स को हमको जानने से पहले सेंटेंस को समझने की कोशिश करो कि सेंटेंस में लिखा क्या है. जैसे आप सेंटेंस को समझ लेते हो आपको उसकी मीनिंग्स आने चाहिए कि इसका मीनिंग होता क्या है. फाइनली ये बहुत ईजी है आपको उसको राइट करने में और लिंकर्स में फुल ऑन फुल मार्क्स पाने के लिए. डोंट कम आउट. बाहर मत आओ द क्लास क्लासरूम से बाहर मत आओ बिफोर द बेल रिंग्स. जब तक बेल नहीं बजती बेल बजने के पहले बिफोर मतलब के पहले होता है ना कि पहले बाहर मत आओ तो हम यही बोलेंगे ना यार बेल नहीं बजे तुम बाहर कैसे आ गए. तो यही चीज हमको बताया जा रहा है बिफोर कि बेल बजने के पहले आपको बाहर नहीं आना है. तो यहाँ पे हमने बिफोर लगा दिया मतलब इट मीन्स दे हैव बिफोर ऑफ टाइम टाइम्स के पहले आपको बाहर नहीं आने कहाँ से क्लासरूम से.
Next example is, I have to go because my mother is waiting for me. मुझे जाने चाहिए because, क्योंकि इससे पहले हमने because के और examples देखे थे, क्योंकि मेरी माँ मरी ला, क्योंकि माँ, क्योंकि जो मेरी माँ है वो मेरा इंतजार कर रही है. That's why here I am using as a because. तो हमने यहाँ देखा कि because का use किस तरीके से होता है, as a reason. स्पेशली अगर आपको कुछ रीजन है उस तरीके से आप बिकॉज का यूज करते हो. अब हम देखते हैं, मे बी आपको कोऑर्डिनेटिव समझ में आ गया होगा, और अब हम जाते हैं सबऑर्डिनेटिव. इफ सबऑर्डिनेटिव, सो रिमेंबर दैट सबऑर्डिनेटिव स्पेस यूज एज अ पार्ट ऑफ द टेंस, दे हैव अ नाइन पार्ट्स. अब नाइन पार्ट्स के थ्रू सबऑर्डिनेटिव लिंकर्स, सबऑर्डिनेटिव लिंकर्स हमेशा क्या होता है, एज अ डिपेंडेबल लिंकर्स होता है जो अदर्स पे डिपेंड करता है. सबऑर्डिनेटिव लिंकर्स से पहले आपको ये चीज याद करनी होगी, दैट हैव अ नाइन पार्ट्स. अभी नाइन पार्ट्स कौन कौन से है, फर्स्ट इज टाइम. क्या है, फर्स्ट इज टाइम, दिस वन इज योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट एंड नाइन. फर्स्ट इज टाइम, सेकंड वन इज द प्लेस, थर्ड वन कॉज और रीजन, दोनों का मतलब एक ही होता है वो कारण. फोर्थ वन कंपैरिजन, हम किसी भी चीज की कंपेयर करते हैं तो वहां पे कंपैरिजन आता है. फिफ्थ वन इज पर्पस, उद्देश्य. सिक्स्थ वन इज रिजल्ट. सेवंथ इज द कंडीशंस. एट्थ इज द मैनर एंड नाइन्थ इज द कंसिस्टेंस. इन नाइन्थ आपके थ्रू सबऑर्डिनेटिव का वर्ड यूज होता है. नाउ सी अकॉर्डिंग टू टाइम, अब टाइम्स के थ्रू हमारे क्या क्या वर्ड्स होते हैं आपको ये याद करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द चार्ट. जैसे आपको चार्ट याद रहेगा तो आपको किसी भी लिंकर्स को बनाने में बहुत आसान हो जाएगा. मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी इसको बताऊंगा कि टाइम्स में हम देखते हैं बिफोर, टिल, सिंस, आफ्टर, व्हेन एंड एस. ये हमारे फाइव वर्ड्स, सिक्स वर्ड्स होते हैं जो टाइम्स में आते हैं. नेक्स्ट इज द प्लेस, अब प्लेस में क्या क्या आता है, वेयर एंड wherever. Next, cause or reason. Because, as, since. ये three होते हैं जो cause or reasons के थ्रू आते हैं. Fourth is comparison. Then, whereas, such as. ये होता है हमारा comparison. Fifth में हम आते हैं purpose. तो उद्देश्य हमारे purpose के लिए हमारा क्या यूज होता है, that and so that. या next में भी आएंगे हम design में. तो भी हमारा दोनों इक्वल है तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे. तो अगर कोई बात हमारे उद्देश्य के लिए किया जा रहा है कि हाँ अगर तो आप ऐसा करते हो तो आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा, इट मींस दे हैव अ टेलिंग अबाउट योर पर्पस कि आपके उद्देश्य के लिए आपको ऐसा करना चाहिए, तो वहां पे सो दैट ऑल. लेकिन रिजल्ट जब शो हो रहा है, यू कैन डू बिकॉज यू विल बी योर, यू विल बी विन, तुम जीतोगे, तो वहां पे अगर क्या हो रहा है, रिजल्ट शो हो रहा है, तो वहां पे दैट और सो दैट का यूज होता है. दोनों का जब हमारा जो मीनिंग्स है वो सेम है, बट दैट इज द सिचुएशन है डिफरेंट. नेक्स्ट इज द कंडीशन, हम आप सिचुएशंस पे आते हैं, कंडीशंस पे आते हैं, तो वहां पे क्या यूज होता है, इफ एंड अनलेस. नेक्स्ट इज मैनर, जब आप मैनर का शो होता है तो वहां पे क्या होता है, एज, एज इफ, ये हमारा मैनर शो करता है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंसेशन, तो कंसेशंस में ऑल्दो इवन, यद्यपि जो वर्ड्स होता है उन चीजों के लिए कंसेशंस का यूज किया जाता है. इस तरीके से हमारे क्या होते हैं जो सबऑर्डिनेटिंग लिंकर्स है ये उनका चार्ट है. अब हम देखते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग लिंकर्स का एग्जांपल के साथ कैसे यूज किया जाता है. अब हम देखते हैं कि यूज ऑफ लिंकर्स, कि लिंकर्स में आपका सबऑर्डिनेटिंग का यूज कैसे होता है, एंड स्पेशली व्हिच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल बिकम इन योर एग्जामिनेशन. अब हमको देखना है कि एग्जामिनेशंस में आपका सबऑर्डिनेटिंग लिंकर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते कैसे हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज, क्वेश्चन इज, द टीचर वाज नॉट इन द स्टाफ रूम. टीचर्स क्या है, स्टाफ रूम में नहीं था. डॉट, आई केम बैक, मैं वापस आ गया. अब हमको यहाँ पे ये लिखा रहेगा इन ब्रैकेट्स लिंकर ऑफ रीजन, आपको रीजंस के थ्रू लिंकर का यूज करना है. कम टू द पॉइंट, अब आते हैं लिंकर्स रीजंस थर्ड पॉइंट.
What is that? In cause and reasons. In this third point, how many words come in the reason? अब हम देखते हैं कि reasons में कितने points आते हैं. Because, as, since. ये तो तभी possible है कि आपको जब ये words याद होने चाहिए. तो याद करने के लिए आपको ये important है कि आपके साथ ये याद भी होना चाहिए. तो ये हमारे minds में आ गया कि यार हाँ reasons में तो three होते हैं. तो हमको अब सबसे पहले उसका use करना है. रीजन में थ्री हो गया, थ्री का यूज कौन सा टॉप में आता है. अब हम देखते हैं कि उस सेंटेंस के तो द टीचर वाज नॉट इन द स्टाफ रूम, तो हमेशा आपका जब मैक्सिम होता है कि आप लिंकर्स का यूज करते हो तो वो अपोजिट से स्टार्ट होता है. मतलब जो आपका सेकंड सेंटेंस होता है वो फ्रंट में हो जाता है. तो फ्रंट में हम ले लेते हैं आई केम बैक, मैं वापस आया था. हम तो रीजन बता रहे हैं कि वापस आने का रीजन क्या था, कि टीचर्स नहीं था, यही हमारा रीजन है. तो हम रीजन को पहले लेते हैं आई केम बैक. अब रीजन क्या था, बिकॉज एज एंड सिंस. तो के बाद के बाद में आता ही नहीं है, एज को यूज कंपेयर तो हो नहीं रहा है. तो यहाँ पे हम आते हैं कि रीजन को एग्जैक्ट बता रहे हैं. तो रीजन क्या हो, बिकॉज क्योंकि उसके टीचर्स आई केम बैक, मैं वापस आया था क्योंकि बिकॉज आ गया. तो तब फिर हम सेम आपको लिखना है, बिकॉज द टीचर वॉज Not in the staff room. मैं वापस आया था क्योंकि teachers staff room में नहीं था. That's why you will be use the linkers of reason. आपको ये चीज़ें बहुत आसान है, बस आपको जानने चाहिए कि उस reasons में आपके words कौन सा आता है. Now come to the second. अब हम देख लेते हैं. Rajat is quick in solving math question. Rajat क्या है? बहुत फास्ट है मैथ सॉल्व करने में, मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने में. तरुण इज क्विकर, और तरुण क्या है, क्विकर है. नाउ लिंकर ऑफ कंपैरिजन देखना है, तो हमको कंपैरिजन के थ्रू लिंकर्स में आने हैं. तो हम आ जाते हैं फोर कंपैरिजन दैट वेयर एज सच एज. तो हम इस थ्रू में तो हमको पता ही है कि देन क्या होता है, जब किसी भी पर्सन का कंपेयर किसी सेकेंड पर्सन के साथ होता है दैट टाइम्स यू विल बी यूज्ड दैट. So here I have linker of comparison because these are two persons, Rajat and Tarun. It means not we will be used as the whenever or such as. तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम such as और whenever का use नहीं करेंगे. तो हमका use क्या करना है, then का, क्योंकि ये two persons हैं. तो हमको ले लेने हैं first. मैंने आप पहले sentence में बताया कि हम second sentence को लेते हैं front में. तो कौन है हमारा second sentence, Tarun is quicker. Come to the answer. The road is quicker. अब यहाँ यहाँ पे आपको full stops use नहीं करने हैं, because we will be back as linker. तो हमारे direct जो linker सकते हैं linker of comparison से उसको लिख दिए. तो हमारा comparison में linker क्या हुआ, that the road is quicker than Rajat is quick in solving math question. तो the road क्या है, Rajat से ज़्यादा फास्ट सॉल्व करता है किसको, मैथ क्वेश्चन को. बिकॉज हियर आई हैव कंपेयर अबाउट दिस टू पर्सन रजत एंड तरुण. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही स्टार्टेड लेट, उसने क्या किया है, लेट से शुरुआत किया है. फुल स्टॉप ही फिनिश्ड फर्स्ट, और उसने पहले खत्म कर दिया. यूज ऑफ लिंकर ऑफ कंसेशन, अब हमको कंसेशन लिंकर के थ्रू देखना है कि क्या यूज होता है. कंसेशन इज द लास्ट पॉइंट नाइन्थ नंबर. What I, although, even I, यद्यपि और यदि, तो इन दोनों में हमको यूज करते हैं. तो हम अब आ जाते हैं फर्स्ट सेकेंड सेंटेंस. He finished first. हमने ये ले लिया. अब हम देखते हैं वो पहले खत्म किया, although, क्योंकि यद्यपि he started late. वो finish इसलिए पहले, वो finish late क्या हुआ, he finished first. वो पहले इसलिए खत्म किया यद्यपि वो लेट से क्या किया था, शुरुआत किया था. तो यहाँ पे हमने क्या जाना, although it is very easy for everyone if you will be remember the words of the as the terms of subordinate linkers. आपको subordinate linkers के जब terms आपके नए terms हैं वो याद रहेंगे. It is very easy for everyone how you will be use the linkers. आपको सबसे पहले हम दोनों linkers के use बता दिए, सबऑर्डिनेटिंग लिंकर्स में कैसे उसका यूज किया जाता है एंड कोऑर्डिनेटिंग लिंकर्स का यूज किस तरीके से होता है.
So these two is the linkers. It's very easy for everyone. How you will be use linkers? अब linkers को जानने से पहले हमने दो चीजों को देख लिया. First of all, in coordinating linkers. Coordinating linkers, it means not as the right about the use of linkers as the reasons, conditions, purpose or time. उसमें ये सब चीज़ show नहीं किया जाता. Only they will be write the as the fill in the blanks. उसमें सिर्फ और सिर्फ fill in the blanks के थ्रू आपको use किया जाता है. But when you will be use subordinating linkers, so what you will be do? You will be write as the proper mentions the reason or time, consistency, purpose, conditions. In this all, it means you will be shown as the nine. After that, you will be defined what is the correct linkers used there. If you will be remember this chart, आपको ये charts याद करनी है. Finally remembers करने के बाद ये total जो आपके क्या हो जाएंगे subordinates होते हैं वो आपका इजली सॉल्व होता है. Now our linkers have finished here. If you have liked it, so please subscribe my channel and like my video. With you also. Thank you.